लॉकडाउन में देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लोगों के परिजनों ने सरकार से लोगों को घर वापसी तक पहुंचाने की गुहार लगाई है। हमीरपुर समेत अन्य जिलों से करीब 3000 व्यक्ति मुंबई में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिसके लिए उनके परिजनों को हर वक्त चिंता सता रही है। हमीरपुर में अपने परिजनों को घर लाने के लिए मीडिया के माध्यम से परिजनों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार लगाई है। परिजनों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि जल्द मुंबई में फंसे हुए लोगों को घर पहुंचाया जाए। वहीं मुंबई से व्हाट्सएप के माध्यम से भी लॉकडाउन में फंसे लोगों ने अपने वीडियो बनाकर घर वापसी की गुहार लगाई है। मित्र मंडल के प्रतिनिधियों ने भी हमीरपुर में अपने लोगों की घर वापसी की गुहार के लिए जोरदार मांग की है। हमीरपुर में मित्र मंडल के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मुंबई में करीब 3000 व्यक्ति लॉकडाउन के चलते फंसे हुए हैं और घर लाने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नोडल अधिकारी से भी कई बार लोगों को घर लाने के लिए वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। आज तक टोटल जो 80% जो कोरोना के जो पेशेंट्स है वो सिर्फ मुंबई में, और डेली मुंबई के अंदर डबल होते जा रहा है डाटा। और मुझे बड़ा दुख होता है बताने के लिए कि पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट से, यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे झारखंड हो चाहे बंगाल हो, हर जगह से मुंबई से ट्रेनें जा रही है, और एक एक नहीं कई ट्रेन जा चुकी है, लेकिन सिर्फ ये एक ही स्टेट है हमारा जहाँ पे एक भी गाड़ी अभी तक किसी भी स्टेट से हमारे यहाँ पे आई नहीं है। तो बहुत बड़ा दुख हो रहा है। और आपको शायद मैं जयराम जी, मैं आप हमारे सीएम है, हमारे भगवान है आप, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हिमाचल के कई लोग हैं जो बेचारे यहाँ पे जो अपना रोजी नहीं कमा सकते वहां पे रह रहे हैं, झोपड़ों में रहते हैं, एक एक खोली के अंदर 5 से 7-7, 10-10 लोग रहते हैं और उनके रोजी दिहाड़ी वाले हैं। आज पिछले 1-1.5 महीने से पूरा उनका काम बंद है, वो बेचारे जो खाने के उनके पास हालत नहीं है, कुछ उनको रोटी की सुविधा नहीं। ये तो हमारे हम लोग ने आरएसएस के थ्रू से और हिमाचल के थ्रू से हम लोग ने मंडल जो हमारी युवा टीम है उन्होंने कुछ हेल्प जो थोड़ी बहुत की, हम लोग जो कर सकते थे की है, लेकिन अभी इतना भी हमारे पास भी इतना पैसा या सुविधाएं नहीं है कि हम उनको मदद करें। आप उनकी हालत देखेंगे, आप उनकी माओ की जरा आहट सुनिए, उनका रोना सुनिए, उनके जो बच्चे जो कमाने गए। अगर कल आज और आपको एक बात बताता हूँ कि एक भी बड़ी खुशी की भी बात है कि एक भी मुंबई का हिमाचली को अभी तक किसी को भी कोरोना हुआ नहीं है, क्योंकि वो हर तरह से सुविधाएं अपना रहे। लेकिन जब अभी हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि छूत की बीमारी है, दिन पे दिन बढ़ता है, तो आप इंतजार कर रहे हैं कि कभी किसी को जब हो जाए कोरोना और कोई मर जाए उसके बाद में आप क्या ट्रेन चालू करेंगे? मैं आपसे फिर से एक बार निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द कुछ करिए और उनको लोगों को जो फंसे हुए लोग हैं उनको यहां पे निकालिए और यहां पे लाइए। जो वहीं रोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई बार कहा है कि बाहरी राज्यों से लोगों को प्रदेशों में लाया जा रहा है, लेकिन मुंबई में रहने वालों की कोई चिंता नहीं कर रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बाकी राज्यों के लिए ट्रेन तक शुरू की गई है, लेकिन मुंबई के लिए कोई भी ट्रेन अभी तक शुरू नहीं की है, जिससे मुंबई में फंसे हुए लोग अपने घर जाने के लिए आतुर हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई से जितने भी हमारे लोग हैं वो हिमाचल पहुंच जाए। जयराम ठाकुर जी ने काफ़ी स्टेटमेंट भी दिया है कि हम मदद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पॉसिबिलिटी हो नहीं गई है। 20 दिन हो गए हैं, काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। मुंबई में काफ़ी लोग बहुत गंदी अवस्था में रह रहे हैं, जैसे चौल में रहते हैं तो उनको एक प्रॉपर एक उनके पास कोई भी टॉयलेट की सुविधा नहीं है। टॉयलेट एकदम जो कॉमन टॉयलेट्स हैं उनको वो यूज़ करना पड़ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से 150-200 लोग एक कॉमन टॉयलेट यूज़ करते हैं, बाथरूम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं अभी सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ अभी मुंबई में गोवा की ट्रेन चालू हुई है, कर्नाटका की हुई है, बेंगलोर की हुई है, लेकिन मुंबई की अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। तो मैं गवर्नमेंट से, जयराम ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुंबई वालों को भी कुछ राहत दीजिए उनके। वहीं मुंबई में फंसे लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से गुहार लगाते हुए कहा कि अन्य राज्यों की सरकारों ने अपने राज्यों के लोगों को घर वापस बुला लिया है, लेकिन हिमाचल सरकार ने मुंबई में फंसे लोगों के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जल्द इस बारे में प्रयास करने चाहिए। हेलो सर जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ और मैं हिमाचल गवर्नमेंट से अपनी दरख्वास्त करता हूँ कि हम लोग मुंबई में फंसे हैं, हमारा यहाँ से बीमारी बढ़ चुकी है, यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा है, तो मेहरबानी करके हमें यहाँ से निकालने की कोशिश कीजिए। हम लोग 18-20 आदमी हैं यहाँ पर, बॉम्बे में, बांद्रा में रहता हूँ मैं, खार में, डांडा में, सांताकोस में अपने आदमी हैं यहाँ पर जो फंसे हुए बेचारे, क्या करें, हमारे लिए कोई रास्ता बताइए आप, या तो हमारे को किसी न किसी तरह यहाँ से निकालने की कोशिश कीजिए। मेरी हिमाचल गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है।
मैं रुक्मणी देवी बोला रही, हिमाचल के रहने वाले हैं ना, अहें बम्बई होए इतू घूमना बिटी अल तो अहें इतू रुक गया लॉकडाउन से, अहें घर जाना चाहते तो अहें जाने का कोई भी साधन नहीं है, तो अहें बड़ी भारी मुश्किल ने इतू बसी है, कियां घर जाएंगे, तो अहें वो मुल्क जाने का काम हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं ना, जसीम परासी पत्तर